गाइस इंडियन मार्केट में Xiaomi कंपनी का एक नया फोन लॉन्च होने वाला है Xiaomi 13। वैसे दोस्तों हम लोग तो हर हफ्ते हर महीने Xiaomi का कोई ना कोई नया फोन देखते ही रहते हैं, लेकिन ये फोन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसलिए मैं आपके सामने इसका रिव्यू कर रहा हूँ। और दोस्तों इस फोन में जो आपको कैमरा मिलने वाला बैक साइड में 50 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल, यानी तीनों कैमरा 50 मेगापिक्सल को होने वाले हैं, जो कि 8K वीडियो को रिकॉर्डिंग करेंगे। और इसके जो चार्जर है दोस्तों वो वायरलेस चार्जर को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे प्रोसेसर आपको बहुत ही लेटेस्ट देखने को मिलने वाला, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस फोन के बैटरी बैकअप जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि इस फोन के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है और इसका प्राइस क्या होगा इंडिया में। अगर बात करें दोस्तों इस फोन के बारे में, तो ये फोन बहुत ही जबरदस्त है और अब तक Xiaomi कंपनी ने ऐसा फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया था। तो दोस्तों ये सारे फोन से अलग हट करके है, तो आइए जानते हैं इस फोन के बारे में। और चैनल पे दोस्तों आपने पहली बार विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और भी क्लिक करना, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इस फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये फोन वैसे देखने में बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। वैसे इसका जो पीछे का कैमरा है दोस्तों स्क्वायर में एक साइड कोने में दिया गया है, लेकिन इस बार कैमरे के प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से एक ग्लास की लेयर लगा दी गई है, ताकि कैमरा आपका गंदा ना हो, खराब ना हो, वो स्क्रीन ही ऊपर से खराब होगी। क्योंकि अब तक जितने फोन लॉन्च हो रहे थे उसमें राउंड में कैमरे आप देख रहे थे और कैमरा जो है बाहर की तरफ होता था, लेकिन दोस्तों इस बार जो है कि एक ग्लास के ऊपर लगाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही जबरदस्त है और एक कैमरे की प्रोटेक्शन बढ़ा देता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों शुरुआत करेंगे फोन के डिस्प्ले से, क्योंकि सबसे पहले हमें उसका डिस्प्ले ही नजर आता है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले के बारे में बताने वाला हूँ। LTPO OLED आपको डिस्प्ले मिलने वाली दोस्तों 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और इसमें दोस्तों 1200 की निट्स आपको मिलने वाली है, यानी आप धूप में भी हो, इंडोर हो या आउटडोर हो, कहीं भी हो, आप आसानी से इसे यूज कर पाएंगे। और 1200 की निट्स जो होती है दोस्तों बहुत ही ज्यादा होती है, और उसकी PPI जो दोस्तों होने वाली है 400 की PPI आपको देखने को मिलने वाली है। और डिस्प्ले की प्रोडक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वेक्टस लगाया गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर जो यहाँ पे दिया गया दोस्तों स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर दिया गया है। अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे इसके GPU के बारे में, तो वो भी काफी बहुत ही जबरदस्त है। Adreno 740 का आपको GPU देखने को मिलने वाला है इस फोन में। अब तीसरे नंबर पर दोस्तों हम बात करने वाले कैमरे के बारे में। कैमरा यहाँ पे जो आपको देखने को मिलने वाला है, इसमें लेसिका का लेंस लगा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और ये कैमरा दोस्तों आपको DSLR की फीलिंग देने वाला है, क्योंकि इसकी क्वालिटी ही बहुत जबरदस्त है। अगर बात करें इसकी रिकॉर्डिंग के बारे में, तो 8K वीडियो को ये रिकॉर्डिंग करता है। वैसे दोस्तों इसमें आपको 50 मेगापिक्सल तीनों कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल के मिलने वाले हैं, लेकिन जो रियर कैमरा दोस्तों वो IS को सपोर्ट करता है, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे लेसिका का लेंस भी आपको मिलने वाला है। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो माइक्रो कैमरा मिल जाएगा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको मिल जाएगा, यानी तीनों कैमरे की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। और सेल्फी के लिए दोस्तों 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया फ्रंट में, जो कि बहुत ही जबरदस्त है और ये सिंगल कैमरा होगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर पॉइंट के बारे में, तो ये है बैटरी। दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी आपको मिलने वाली है 4820mAh की बैटरी मिलेगी, 120W का चार्जर मिलेगा, जो कि 19 मिनट में बैटरी को 100% फुल चार्ज कर देगा, ऐसा कंपनी दावा करती है। और दोस्तों ये वायरलेस चार्जर को भी सपोर्ट करता है, अगर आपके 50W का चार्जर है तो वो भी सपोर्ट करेगा, और 10W के रिवर्स चार्जर को भी सपोर्ट करता है, जो कि वायरलेस चार्जर हो। अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों इसके नेटवर्क सपोर्ट के बारे में, तो ये 2G 3G 4G पे काम करता हुआ नजर आएगा, और इंडिया में भी ये 5G को सपोर्ट करता है। और पांचवें नंबर की अगर बात करें दोस्तों, इस फोन में जो आपको OS मिलने वाला है Android 13 मिलेगा, और आउट ऑफ बॉक्स आपको MIUI 14 पे काम करता हुआ नजर आएगा, यानी सब कुछ इसमें आपको लेटेस्ट मिलने वाली है। और दोस्तों इसमें जो रैम मिलने वाली LPDDR5X की आपको रैम मिलेगी, 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज के साथ ये जो लॉन्च होगा इंडिया में, इसका प्राइस माना जा रहा है दोस्तों 70,000 रुपए के आसपास का होने वाला है। और इसका जो दूसरा आएगा वर्जन 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज के साथ, इसका प्राइस 80,000 के आसपास का हो सकता है। तो दोस्तों ये फोन की जो लॉन्चिंग है
वो तकरीबन 26 जनवरी के आसपास ये फोन इंडिया में लॉन्च होता हुआ नजर आपको आ सकता है। वैसे दोस्तों इस समय चाइना में चल रहा है कोरोना, शायद प्रोडक्शन में कोई डिले भी हो सकता है, इसलिए कुछ डेट इसकी फिक्स नहीं बताई जा सकती कि इसका डेट क्या हो सकता है। वैसे ये इंडिया में बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसमें एडिशनल क्या क्या मिलेगा, तो आपको ब्लूटूथ भी मिलेगा, एनएफसी भी मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पे 3.5 mm का जैक नहीं मिलेगा आपको, और स्टीरियो स्पीकर आपको मिलने वाला जो कि नीचे होगा, और सिम ट्रे भी आपको इस फोन में नीचे ही देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, तो ये इस बार Xiaomi कंपनी ने डिस्प्ले के ऊपर ही दे दिया है। हर बार क्या करते थे, पावर बटन पे साइड में माउंट दे देते थे, लेकिन इस बार आपको डिस्प्ले के ऊपर ही मिलने वाला है। तो दोस्तों ये काफी जबरदस्त है। अगर बात करें ब्लूटूथ वर्जन के बारे में, तो 5.2 का आपको मिलने वाला है, और OTG को भी ये सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और भी क्लिक करना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।